स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं DNBCE की 2021 के बारे में। आज हम स्टूडियो में DNBCE की 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन हम किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ DNBCE की 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन DNBCE की 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर DNBCE की 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, न्यूज़ रिलीज होती है या कोई भी नोटिफिकेशन उसका रिलीज होता है, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो रहा है, एडमिट कार्ड रिलीज अवेलेबल हो रहा है डाउनलोडिंग के लिए, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं DNBCE की 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर देना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे जो है सर्च करना होगा DNBCE 2021। उसके आगे आपको लिखना है cet.co.in। अब गाइस, आप लोगों को cet.co.in लिखना क्यों ज़रूरी है DNBCE 2021 के आगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरह से जो है DNBCE के रिलेटेड सर्च करना है, और वो गलत सर्च करते हैं, और गलत सर्च करने की वजह से उन्हें जो गलत इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, और कई बार जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है वेबसाइट पे वो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, वेबसाइट वाले उस इन्फॉर्मेशन को जो है अपडेट नहीं करते। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई जाए, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, DNBCE 2021 उसके आगे cet.co.in लिख के आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे आप जब सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर दबाएंगे, वैसे ही जो सबसे पहला रिजल्ट आपको जो गूगल में दिखाई दे रहा है आपको सिंपली उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर देना है। जैसे आप उस पहला रिजल्ट जो गूगल में दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो गाइस, ये cet.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको DNBCE 2021 के रिलेटेड जो है हर एक इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल में जानने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट DNBCE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साथ डेली बेसिस पे रेगुलरली जो है अपडेट भी होती रहती है, तो यहाँ पे आपको फुल अपडेट और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब पहले हम थोड़ा DNBCE 2021 का थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसके हाईलाइट्स और हर एक डिटेल्स के बारे में जानेंगे। लाइक अगर आपको पोस्ट MBBS और DNB MA MD MSc या सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए किसी भी, तो उसके लिए आपको DNBCE का जो एग्ज़ाम देना वो कंपलसरी है। उसी के साथ साथ अगर आपको जो है पोस्ट MBBS के कोर्स में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए NEET PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो ज़रूरी है, वो इसका स्कोर भी जो है उसमें कंसिडर किया जाता है। आइए अब हम DNB के हाईलाइट्स की ओर बढ़ते हैं। लाइक जो इसका जो फुल फॉर्म है DNBCE का, तो DNB का फुल फॉर्म है डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, और CET का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट, डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो एग्ज़ाम है वो PG लेवल है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है इसका वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है ये, और साथ ही साथ इसमें जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं तो ऑल PG कोर्सेज, जितने भी PG के कोर्सेज है, PG टाइप कोर्सेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज, वो हर एक कोर्सेज यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है किसके द्वारा ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाता है, इसकी नेशनल अथॉरिटी कौन है, तो नेशनल अथॉरिटी है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अब एप्लीकेशन मोड की बात करें तो इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में रिलीज होगा, यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना रहेगा। एग्ज़ाम मोड भी जो है ऑनलाइन ही होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका एग्ज़ाम भी। फिर जो टोटल ड्यूरेशन दिया हुआ टाइम आपको 3 hours 30 minutes का टोटल आपके पास टाइम रहेगा, आपको 3 hours 30 minutes में आपका पूरी तरह से पेपर जो है उसे कंप्लीट करके फिनिश करना होगा, और लास्ट में आपको जो है यहाँ पे नेशनल ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है DNBCE की। सो गाइस, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DNBCE के क्विक लिंक्स है। सो गाइस, ये जो क्विक लिंक का सेक्शन है, ये सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप में से किसी भी कोई भी कैंडिडेट को स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के बारे में जानना है, लाइक आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना है, सिलेबस के बारे में जानना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, उसके सामने जो क्लिक है लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते ही आप एक न्यू पेज पर चले जाएंगे जहाँ पर आपको DNBCE की फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है लिस्ट करके बता दी जाएगी, आपको वहाँ से फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मिल जाएगा। तो गाइस, इन सब की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में से डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे DNBCE एग्ज़ाम डेट्स की। सो गाइस, यहाँ पे जो है 2 sessions होते हैं, JNB में जनरल सेशन होता है, थ्रू NEET PG होता है, NEET PG के जो एग्ज़ाम रहता है मार्क्स उसके थ्रू होता है, तो यहाँ पे भी बता दिया गया पहला सेशन की यहाँ पे डेट दे दी गई है। फिर जो सेकेंड सेशन होता है जुलाई सेशन, उसकी यहाँ पे जो है वो डेट्स यहाँ पे आपको लिस्ट कर दी गई है।
अब उसके आप आगे आप जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको चार बुक्स दिखाई देगी। सो गाइस अगर आप DNB CET के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो ये चार बुक यहाँ पे अच्छी जो बेस्ट बुक है आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, वो चारों बुक यहाँ पे लिस्ट कर दी गई है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप न्यू पेज पे अमेजोन पे चलेंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली ये बुक्स जो है वो एक एक करके या जो भी जितनी भी बुक्स चाहे आप वहाँ से बाय कर सकती है। ये चार बेस्ट बुक है जिससे आपको अपने प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आप इस पर अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहते हो तो यहाँ से आप चाहे तो एक बुक भी बाय कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे DNB CET 2021 एप्लीकेशन फॉर्म की। सो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है DNB CET 2021 का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपको ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कोई भी गलती करते, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी फेक डिटेल्स भरते तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सो गाइस एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस होती है एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर वो ये है कि उन्हें पता नहीं होता कि किस के उन्हें ये नहीं पता होता ना कि किस तरह से उन्हें जो लास्ट जो स्टेप में जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो उनसे कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ को जो स्कैन करके अपलोड करना है। तो उन लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह से स्कैन करना है, कितनी KB में जो है फाइल को सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में जो है फाइल को सेव करके अपलोड करना है, और वो कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी जो है KB कितनी भी फाइल को कितनी भी KB में सेव करके उसे अपलोड करते तो गलत अपलोड करने की वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो इसलिए सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखना है, क्योंकि हम DNB CET 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा एक एक प्रोसीजर आपको बताया जाएगा, साथ ही साथ आप किस तरह से डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ को स्कैन कर सकते हैं, कितनी KB में सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में सेव करके उसे स्कैन करके अपलोड करना है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आपको उस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने जो हमारे चैनल सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन भी दबा के रखा हुआ हो। अब अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो एप्लीकेशन फ़ी 4,500 रुपीज़ है हर एक कैंडिडेट के लिए, चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो। एप्लीकेशन फ़ी आप डायरेक्टली ऑनलाइन भर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI से भी आप डायरेक्टली भर सकते हैं, और जो जो आप एप्लीकेशन फ़ी भर रहे हो वो नॉन रिफंडेड है, आपको जो वो वापस से पैसा रिफंड नहीं होगा अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो गाइस DNB CET 2021 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको DNB CET का जो एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या कि आपको उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसे सेटिस्फाई करते तो ही आप इसके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, इसके एग्ज़ाम को अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप इसके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, आप इसके एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डिटेल एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताता था, लाइक आपका इंडियन नेशनल होना जरूरी है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है इस एग्ज़ाम के अप्लाई करने के लिए। उसी के साथ साथ अगर अपेयरिंग कैंडिडेट्स की बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स PG मेडिकल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट उनको 31 अगस्त 2021 तक मिल जाएगा, वो भी अलाउड है इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए। उसी तरह से और भी जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम पैटर्न की ओर। तो गाइस आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस ये दो चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको DNB CET के जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स आना, अच्छे ग्रेड स्कोर, हाई स्कोर लाना है तो उसके लिए आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अच्छी तरह से बनाना ज़रूरी है, और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज बनाने के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पहले यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न जान लेंगे, उसके बाद हम सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि जिसका आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे दे दिया मोड ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि आपके एग्ज़ाम जो ऑनलाइन मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्वेश्चन टाइप्स आपको जो पूछे जाएंगे वो MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के टोटल आपको जो है चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे सिंपली आपको उस पर टिक करना होगा। जो टोटल टाइम दिया जाएगा आपको 3 hours 30 minutes यानी कि 3 hours 30 minutes आपको जो है टोटल दे दिए जाएंगे, उसमें आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। आपका पेपर पार्ट या पार्ट भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ रहेगा, जो टोटल 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और एक सही आंसर देने पे आपको जो है चार मार्क्स दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं वेटेज का। तो जो मैंने कहा था ऊपर अभी के पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो पार्ट ए का जो टेबल है सब्जेक्ट्स का और वेटेज के हिसाब से यहाँ पे दे दिया, पार्ट बी का भी नीचे दे दिया है। तो आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट दे दिया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, और उसी तरह से उसके वेटेज दे दिए कि कितने कितने मार्क्स के आस में से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसी तरह से जो है पार्ट बी के भी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट बता दिए गए और सब्जेक्ट के यहाँ पे जो है वेटेज दे दिए गए, तो आप वेटेज के हिसाब से उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सिलेबस की। सो गाइस यहाँ पे जो है आपको सिलेबस भी लिस्ट करके बता दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में से आप जो है और अच्छी तरह से सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिटेल टॉपिक के साथ सिलेबस जो है डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स दे दिए गए, तो ये सब एग्जाम सेंटर्स है। इन इन जगहों पर जो है DNB CET का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाता है, लाइक अहमदाबाद, चेन्नई, चिराल, गुंटूर, जयपुर, इंदौर, नोएडा, बेंगलोर, कोहिमा, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, हैदराबाद, गुरुग्राम, इतनी सारी जगह पे जो है इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाता है। और भी बहुत सारी जगह है, इनमें से जो भी आप जगह चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे अभी एडमिट कार्ड की। सो गाइस DNBCET 2021 का जो एडमिट कार्ड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को जो एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर से ही वापस भेज दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बड़े ही सावधानी से एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसके 3 से 4 प्रिंटआउट संभाल के रखने हैं। पर एक और जो प्रॉब्लम फेस होती है स्टूडेंट्स को DNBCET के एडमिट कार्ड को लेकर, वो ये है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कब जो है एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल हुआ और कब जो एडमिट कार्ड की डाउनलोडिंग डेट जो है वो एंड हो चुकी है। सो गाइस आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखना है, ताकि जैसे ही DNBCET 2021 का एडमिट कार्ड रिलीज हो तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे कि एडमिट कार्ड जो रिलीज हो चुका है। साथ ही साथ आपको वीडियो में ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से आप जो एडमिट कार्ड वीडियो के माध्यम से अपना चेक करके डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होती है गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब करेगा तो हम जो है वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही साथ रिजल्ट जो चेक करने की जो ऑफिशियल लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, रिजल्ट में ये भी बता देंगे किस तरह से जो है रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट जो है एग्जाम के 2 या 3 हफ्ते बाद मोस्ट प्रोबेबली रिलीज होता है। रिजल्ट चेक करना गाइस बहुत ही आसान होता है, आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन आईडी और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना रहता है, उसके बाद अपना रिजल्ट आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि अभी आपको DNBCET 2021 के रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, इस वीडियो से आपको मदद मिले, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।